सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 21वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत् तद्बुद्धि ग्राह्यम मतिन्द्रियम वेति यत्र न चैवयम स्थितश्चलति तत्त्वतः। जिसका अर्थ है कि जो इंद्रियों से परे की सुख भावना है, जो अत्यंत सुख है, यानी वह सुख जो कभी क्षीण नहीं होता। सुख की भाषा में यहाँ भगवान बता रहे हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्य सुख और दुख ही समझ पाता है, इसलिए भगवान ने सुख शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो अत्यंत सुख वह सुख है जो कि सात्विक सुख से भी आगे है। सात्विक सुख का अर्थ हुआ कि सत्य बोलने का सुख, न्यायपूर्ण होने का सुख जो मिलता है मनुष्य को, धर्माचरण करने का सुख जो मिलता है, इन सुखों से भी वह आगे है। तो वह ऐसा आध्यात्मिक सुख है जो इन सुखों से भी आगे है, इसलिए उसको परम आनंद कहा गया है। तो यहाँ आत्यंतिक शब्द का जो प्रयोग है, आत्यंतिकम सुखम, तो सुखम आत्यंतिकम यत् तद्बुद्धि ग्राह्यम मतिन्द्रियम। तो यहाँ अतिन्द्रिय शब्द का जो प्रयोग है वो राशि सुख के अर्थ में है, कि राशि सुख से जो हमें मिलता है उससे भी बढ़कर सुख है। यह सात्विक सुख से भी बढ़कर है, आत्यंतिक सुख है, और राशि सुखों से भी बढ़कर है। राशि सुख जैसे कि बड़े सम्मान का पद मिल जाना, बहुत धन हो जाना, वैभव हो जाना, व्यक्ति का सम्मान होना, इस तरीके के जो सुख हैं, धन संपदा, घर गृहस्थी में बहुत आगे होना, समाज में उसकी बहुत पकड़ होना, भोग की वस्तुएं उसे उपलब्ध हों, तो जो भोग की वस्तुएं जितनी उपलब्ध हो सकती हैं, जो भोग के व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं, ये सब इंद्रियों के सुख हैं। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, यहाँ तक कि मन भी, तो ये सब जो ग्रहण करते हैं, जिसे सुख मानते हैं, हर सुख अंत में दुख में बदल जाता है, क्योंकि संवेदना थोड़ी देर के बाद शिथिल हो जाएगी और विपरीत रिएक्शन शुरू कर देगी। मान लीजिए आपको खीर बहुत प्रिय है, परंतु आप कितना खीर खा सकते हैं? जैसे जैसे खाते जाएंगे भूख घटती जाएगी, वैसे वैसे फिर जो है शरीर संकेत देने लगेगा, शरीर के रसायन संकेत देने लगेंगे कि अब बहुत हो गया, अब इसको बंद करो, क्योंकि फिर वो उल्टी उसकी गिनती शुरू हो जाएगी और आपको काफ़ी उल्टी जैसी आने लगेगी, हो सकता है कि ये भोजन उलट भी दें। आदि शंकराचार्य का एक दृष्टांत है इसी विषय पर, कि उनको एक बार खीर खाने की बहुत इच्छा हुई, तो उन्होंने कहा अपने एक भक्त को कि ऐसा है कि मैं बहुत खीर खाने को इच्छुक हो रहा हूँ, तो तुम खीर बनाओ मेरे लिए बहुत। तो उन्होंने खीर बहुत बनाया उनके लिए, और शंकराचार्य जी ने बहुत खाया, और इतना खाया कि अंत में उल्टी शुरू हो गई, और उल्टी होने के बाद भी वे खाते रहे कि इसको मैं और खिलाऊंगा, क्योंकि इसके प्रति आकर्षण हो गया जब मन को, तो और खा लो, तो जो आकर्षण है वह अंत में विकर्षण में बदल जाएगा। तो जो भी भौतिक भोग हैं,
इंद्रियों के भोग हैं, ये अंत में हमारे लिए दुखदाई बन जाते हैं। तो यह जो राशि सुख है उसी के लिए यहाँ अतिंद्रिय शब्द का प्रयोग है। ये वह सुख जो है इंद्रियों से परे है, जो वह परम सुख है। और जो बुद्धि ग्राह्य शब्द का प्रयोग है यहाँ पर, वेति यत्र न च वयम् स्थितश्चरति तत्त्वतः आगे है, तो बुद्धि ग्राह्य का जो यहाँ प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बुद्धि उसको ग्रहण कर लेगी। इसका अर्थ यह है कि उसका जो रिफ्लेक्शन आता है, उससे जो छन करके जो बातें आती हैं, उसका जो स्थूल सुख है वह बुद्धि ग्रहण करती है। अमूमन क्या होता है कि जब हम लोग तामसी सुख में पड़ते हैं, तामसी सुख का अर्थ हो गया कि हमें आलस्य हो गया, आलस्य से भी एक सुख मिलता है लोगों को, अलसा ऐसा बदन है, लेटे हुए हैं और नींद आती है, निद्रा भी तामसी गुण में आता है क्योंकि वहाँ बुद्धि का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि वह तामसी सुख से परे है और ऐसा परे है कि उसमें बुद्धि का लोप नहीं होता है, यानी आप बुद्धिहीन नहीं होते हैं, बल्कि बुद्धि आपकी पूर्ण जागृत हो जाती है, आप बुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध जो थे वे इसके एक अर्थ प्रमाण हैं कि उनकी बुद्धि पूर्ण जागृत थी, क्योंकि उनको परम सुख मिल गया था। तो परम सुख मिल जाने पर आपकी बुद्धि जो है बुद्धत्व को प्राप्त कर जाती है, बुद्ध विकसित हो जाता है, तो बुद्ध जागृत हो जाता है, पूर्ण जागृत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बुद्धि ग्राह्य शब्द का प्रयोग किया गया है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम, बुद्धि के द्वारा ग्रहणी होता है। तो बुद्धि इसी अर्थ में ग्रहण करती है, उसके स्थूल सुख को ग्रहण कर पाती है, पूर्णतः उसकी सूक्ष्मता को ग्रहण नहीं कर सकती है। उसके लिए तो बुद्धि से परे हम जाते हैं। आप ऐसा समझें कि मान लीजिए कि कोई शीशा है, उसमें हमारी जो छवि आ जाती है, वो तो शीशा में छवि आ जाती है हमारी, परंतु हम नहीं शीशा में हो पाते हैं। अगर शीशे में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ सूर्य है, इसका मतलब है कि सूर्य की वहाँ पर रोशनी है, उसकी छवि है, सूर्य का कुछ अंश है। तो उसी तरह से बुद्धि जो है उसके हमारे जो उस परम सुख का कुछ अंश को ग्रहण करती है और स्थूल अर्थ में ग्रहण करती है, परंतु वह स्थूल अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और वह हमें बहुत संतुष्टि देगा, पूर्ण संतुष्टि देगा। यानी हमारा जो तामस क्षेत्र है, अंधकारमय क्षेत्र है, वह भी प्रकाशित हो जाता है। हमारा जो राजस क्षेत्र है वह भी प्रकाशित हो गया, सात्विक क्षेत्र भी प्रकाशित हो गया, और इन गुणों से परे जो क्षेत्र है वह तो प्रकाशित है ही है, यानी हम पूर्णतः प्रकाशित हो गए। यहाँ पर भगवान का कहने का सारा तात्पर्य यही है कि हमारे सारे भाव सात्विक राशि तामसी सारे भाव प्रकाशित हो गए, सारे भाव सुख से भर गए, आनंद से भर गए, आनंद विभोर हो गए। तो हम शरीर से भी आनंदित हो गए, इंद्रियों से भी आनंदित हो गए, हमारी जो है इंद्रियों से परे की जो इंद्रियां हैं वे भी आनंदित हो गई, अतिंद्रियां, जिसको भगवान ने यहाँ अतिंद्रिय कहा है, इंद्रियों से परे की जो इंद्रिय है, और हम लोगों के शरीर के रोमे रोमे रोम रोम में आनंद भर गया। तो भक्त वे होते हैं जो आनंद से भर जाते हैं, और इस अर्थ में फिर वे भगवान हो जाते हैं। भक्त का अर्थ ही होता है आनंद। तो जो भगवान है वो आनंदवान है, तो परम सुख को उपलब्ध हो जाता है। तो सुख है, सुख का अति हो जाता है, अतिरेक सुख आ जाता है। तो भगवान का यही पर्याय संकेत है कि उस अतिरेक सुख को प्राप्त होंगे। वेति यत्र न च वयम् स्थितश्चरति तत्त्वतः, तो आप तत्व में स्थित हो जाते हैं, वहाँ से भटकते नहीं हैं। बाकी जो सुख हैं उससे आप विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वो भोग पदार्थों पर आधारित हैं, कोई व्यक्ति पर आधारित है, जिस व्यक्ति से हमें कुछ सुख की अपेक्षा है तो पहले उसको प्राप्त करना, उसको अपने अनुकूल करना, फिर कुछ क्षण की बात हो सकती है। इसीलिए जो भी व्यक्ति या वस्तु से हमें सुख मिलता है वो क्षणिक ही होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं
कि हम उस सुख में स्थित हो जाते हैं, तत्व में स्थितस्यति तत्वतः, सुख में स्थित हो जाते हैं। वो ऐसा सुख है कि वह क्षीण नहीं होता। वेति यत्र न चै वयम्, ऐसा ही इसको जानो, ऐसा ही जानो कि वो तत्व में स्थित हो जाते हैं। हम सब तत्व में स्थित हो जाते हैं, और तत्व का अर्थ यहाँ पर हो गया परम तत्व, जिसके परे और कोई तत्व नहीं है। यानी इस अस्तित्व की जो समग्रता है उसमें हम स्थित हो जाते हैं, हमारा कैवल्यपन हो जाता है, हमारे सिवाय और कुछ नहीं रहता। जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ईंट हैं, जमीन है, आकाश है, सब कुछ पे ही में हो, तब कोई अलग नहीं हुआ। और इस तरह का जब हमें बोध हो जाता है तब चारों दिशाओं में हमारे लिए परम सुख आ जाता है। और ये जो परम सुख है ये दुख का विरोधी तत्व नहीं है, दुख को समेटे हुए है यह, यानी दुख सहित यह दुख से आगे। कुछ लोग सोचते हैं कि परम सुख का मतलब कि अब दुख नहीं रहा, ऐसा भी कुछ लोग सोच सकते हैं, अक्सर ऐसी भ्रांति हो जाती है, परंतु यह बात नहीं है। वह दुख समेत, सुख समेत, दुख सुख से परे है। और अब चूंकि उसको इतना बड़ा सुख मिल गया है कि यह जो समानता जो दुख था वह भी सुख में एक तरह से बदल गया है, और वह दुख अब उसके लिए कोई दुख नहीं रहा, और वह उसके स्वाद की वृद्धि एक तरह से कर देगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत मीठा हो और उसमें चुटकी भर नमक डाल दिया गया हो, तो वह नमक जो है उस मिठास को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उस मिठास की गुणवत्ता को और बढ़ा देगा और स्वाद में वृद्धि कर देगा। यह दुख फिर वैसे ही भूमिका निभाता है। तो दुख समेत, सुख समेत, दुख सुख से परे परम सुख उसको कहा गया है, जो उसका नाश नहीं होता, जो क्षीण नहीं होता, जो किसी पर आधारित नहीं है, जो स्वयं अपने रूप में स्थित है, स्वरूप अवस्थिति है यह। यही भगवान का संदेश है इस श्लोक में। ओम।